तो अब हम जानेंगे कि दिवाली के बाद जो भी फसलें लगेंगी उसमें कौन से फसलों में हमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है, स्पेशली वेजिटेबल के फसलों में। तो उसमें पहले नंबर पे आता है प्याज की खेती। प्याज की खेती में आपको 300 क्विंटल तक का उपज मिल सकता है एक एकड़ में। दूसरे नंबर पे आता है लहसुन का खेती। लहसुन में आपको एक एकड़ में 80 से 90 क्विंटल तक का उपज मिल सकता है। तीसरे नंबर पे आता है फूल गोभी या पत्ता गोभी, इसमें से कोई भी आप कर सकते हो, तो उसमें से 220 से 250 क्विंटल तक पर एकड़ में उपज आपको मिल सकता है। इसके बाद आता है मूंगफली का फसल। मूंगफली के फसल में आपको 150 से 160 क्विंटल तक का उपज एक एकड़ में मिल सकता है। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट आलू का फसल। अगर आलू का फसल आप करते हो तो एक एकड़ में आपको कम से कम 200 से 250 क्विंटल तक का उपज मिल सकता है। तो ये है अपनी आने वाले सीजन में आपको कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसलें। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आज ही एग्री बिक्री का ऐप डाउनलोड करें और हमें संपर्क करें। धन्यवाद।